सब्सक्राइब कीजिए अबेदास किचन को और रेगुलर अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें। हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज हम बनाने जा रहे हैं फिरनी। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और ये बहुत ही क्रीमी और डिलिशियस भी होती है और आप इसे कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए लेंगे हम 200 ग्राम बासमती चावल। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और पानी को स्ट्रेन कर लिया। उसके बाद इसे ऐसे फैला के सुखा लिया है। अब हम इसे पीस लेंगे। इसे जब हम पीसेंगे, ध्यान रखें कि आप इसे बहुत फाइन ना पीसें, थोड़ा दरदरा रहना चाहिए। अब इसमें डालेंगे हम 1 कप दूध। ये दूध ठंडा है। अब इसे हम अच्छे से घोल लेंगे। हम दूध इसलिए डालते हैं इसमें ताकि जब हम चावल को गर्म दूध में डालें तो लम्स ना पड़ जाए। अब हम लेंगे 2 लीटर दूध। इसे अच्छे से गर्म कर लें और ऐसे स्टर करते रहें। दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए तब उसमें आप डालें 2 चुटकी केसर का और 1 टीस्पून इलायची पाउडर। अब इसे मिक्स कर लें और थोड़ी देर और बॉईल होने दें। अब हम इसमें डालेंगे चावल जो पहले हमने दूध में भिगो के रखा था। और इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसे ऐसे स्टर करते रहे ताकि चावल नीचे ना चिपके। अब इसे हम पकाएंगे कम से कम 15 से 20 मिनट धीमी मध्यम आंच पे, जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। अब ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 250 ग्राम चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, या कम या ज़्यादा, जैसी आपकी मर्ज़ी हो। और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, चीनी का कोई ग्रैन्यूल्स नहीं दिखाई दे रहा और चावल भी अच्छे से गल गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और करेंगे इसकी प्लेटिंग। अब इसे हम गार्निश करेंगे 1 चुटकी केसर के साथ और इसे हम इमीडिएटली सर्व नहीं करेंगे। पहले हम इसे कम से कम 1 घंटे के लिए चिल कर लेंगे। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी चिल कर सकते हैं, उसके बाद आप इसे सर्व करें। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें। थैंक यू।